दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। त्रिलोकपुरी शालीमार बाग वार्ड, रोहिणी सी और कल्याणपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि पूर्वी दिल्ली की चौहान बांगड़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुए हैं। नगर निगम के 5 वार्ड के लिए 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इनमें 50% से अधिक मतदान हुआ था। इन 5 वार्डों में से 4 आपके पास थे, जबकि शालीमार बाग नॉर्थ से प्रतिनिधि भाजपा के पार्षद थे। शालीमार बाग वार्ड से आप उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने 2,705 वोट से जीत दर्ज की है। इनको कुल वोट 9,764 मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार सुरभि जाजू को 7,059 वोट मिले। रोहिणी सीट सी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र 2,985 वोट से जीते। आप उम्मीदवार रामचंद्र को 14,388 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार राकेश को 11,343 वोट मिले। पूर्वी दिल्ली के चौहान बांगड़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जुबैर अहमद विजयी हुए हैं। अहमद 10,642 वोट से जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 16,203 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इशराक को 5,561 वोट मिले। कल्याणपुरी में आप उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार ने 7,043 वोट से जीत दर्ज की है। उनको कुल 14,302 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी उम्मीदवार सियाराम को 7,259 वोट मिले। चुनावी परिणाम पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता ने नगर निगम उपचुनाव में 5 में से 4 सीट देकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि नगर निगम के 15 साल के बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगाकर भाजपा को साफ कर दिया जाए। और ये बात इस बात का संकेत है कि जनता क्या सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट।